नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 सितंबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई स्थगित। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि डीएलएड संयुक्त परीक्षा को अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दिया गया है। हालांकि यहां परीक्षा की अगली तारीख की अभी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। आपको बता दें, यह परीक्षा 22 अक्टूबर को होने वाली थी। अगले 3 महीने में बिहार में मोबाइल टावर संबंधी दिशा निर्देश होंगे जारी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सोमवार को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मोबाइल टावर लगाने और उसके दुष्प्रभाव के बारे में 3 महीने के अंदर दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दे दिया है। न्यायमूर्ति SP बंगली और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर नगीन नंदा ने बीते दिन कहा है, वैसे तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मोबाइल टावरों के कारण होने वाली परेशानी से निपटने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस संबंध में कोई दिशा निर्देश फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने पीठ को सूचित किया है कि बिहार संचार टावर एवं संबंधित भाषा नियम 2012 अधिसूचित किया गया है और नियम 3 और 4 में कहा गया है कि संचार टावर केवल व्यावसायिक इमारतों और खाली भूमि पर लगाने की इजाजत दी जाएगी। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव का हुआ ऐलान। सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो के गुजर जाने से खाली पड़ी वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए 7 नवंबर को मतदान करवाया जाएगा। आपको बता दें, वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट 2002 के परिसीमन के बाद 2008 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। परिसीमन के बाद जब यहां पर साल 2009 में पहली बार चुनाव हुए तो जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद ने जीत हासिल की थी। इस संसदीय क्षेत्र की विधानसभा की सीटें भी आती हैं, जिसमें वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बाघा, लोहिया और सिकटा शामिल है। चुनाव आयोग की 7 सदस्यीय टीम पहुंची पटना। बिहार में चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। सभी पार्टियां तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा अपनी टीम के साथ बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर बीते दिन पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक उनके साथ आयोग पटना और गया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आयोग 1 अक्टूबर को शाम 5 बजे से 5:45 पर पटना के लेमेंट्री होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाएगा। बिहार चुनाव 3 चरणों में आयोजित करवाया जाएगा। पहले चरण में 16 जिलों में 71 सीटों पर चुनाव का आयोजन होगा। दूसरे चरण में 17 जिलों में 94 सीटों पर और साथ ही तीसरे चरण में 15 जिलों में 78 सीटों पर चुनाव होगा। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट की आज होगी घोषणा। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा आज होने वाली है। सूबे के तमाम बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए 1.25 लाख छात्रों ने परीक्षा दे दी है। परिणाम को लेकर OMR शीट की जांच सहित अन्य प्रतिक्रियाएं भी दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पूरी कर दी जाएंगी। परिणाम जारी होने के बाद सफल छात्रों के एडमिशन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया दिसंबर तक जारी रहेगी। यह परीक्षा 22 सितंबर को सत्र 2020-22 के लिए राज्य के 10 शहरों में हुई थी। स्टेट नोडल अफसर प्रोफेसर अजीत कुमार ने कहा है कि बुधवार रात तक LNMU की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सफल छात्रों की 3 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। बिहार के एक और अभिनेता ने मुंबई में कथित तौर पर ली अपनी जान। मुंबई में बिहार के एक और अभिनेता ने अपनी जान ले ली है। मिली जानकारी के अनुसार जान गंवाने वाले का नाम अक्षत उत्कर्ष है, जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। जानकारी के मुताबिक अक्षत बॉलीवुड के नवोदय कलाकार में से थे और वो मूल रूप से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर के रहने वाले थे। जान गंवाने के बाद परिजनों ने उत्कर्ष की संदेहास्पद रूप में जान लेने की बात से साफ इनकार कर दिया है। अभिनेता के गुजर जाने के बाद अक्षत के मामा रंजीत सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि रविवार की रात 9 बजे अक्षत के पिता से बात हुई थी, लेकिन इसके बाद देर रात उसने जान ले ली, इस बात की खबर सामने आई। इसके साथ ही अक्षत के मामा ने मुंबई पुलिस पर भी सहयोग नहीं करने की बात कही है। बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,81,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 1,439 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,81,471 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 55, अरवल में 19, औरंगाबाद में 20, बांका में 38, बेगूसराय में 47, भागलपुर में 51, भोजपुर में 14, बक्सर में 8, दरभंगा में 26, पूर्वी चंपारण में 58, गया में 39, गोपालगंज में 35, जमुई में 45, जहानाबाद में 9, कैमूर में 7, कटिहार में 33, खगड़िया में 11, किशनगंज में 31, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 34, मधुबनी में 42, मुंगेर में 34, मुजफ्फरपुर में 47, नालंदा में 37, नवादा में 23, पटना में 195, पूर्णिया में 99, रोहतास में 30, सहरसा में 65, समस्तीपुर में 16, सारण में 37, शेखपुरा में 37, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 20, सिवान में 15, सुपौल में 68, वैशाली में 29, पश्चिम चंपारण में 31। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार 1,67,890 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 894 लोगों की जान जा चुकी है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शरद कुमार की। शरद कुमार एक भारतीय पारा हाई जंपर हैं जिनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उन्होंने अपने इंटरनेशनल डेब्यू साल 2010 एशियन गेम्स में की थी। वहीं 2014 एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उन्हें यह मेडल हाई जंप में मिला था। आपको बता दें कुमार ने अब तक 2016 समर पारा ओलंपिक्स में छठे स्थान पर उपाधि भी प्राप्त की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 2017 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था। इसके साथ ही वो गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन का भी पैरा चैंपियंस प्रोग्राम के तहत काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बीपीएससी 65वीं मेंस और 31वीं जुडिशियल सर्विस परीक्षा हुई स्थगित। कोविड 19 के माहौल में एक बार फिर से बिहार लोक सेवा आयोग ने 31वीं जुडिशियल सर्विस परीक्षा और 65वीं कंबाइंड सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन परीक्षा को स्थगित कर दिया है, जिसको लेकर बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर एक नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि कुछ खास कारणों से परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। रीशेड्यूल कार्यक्रम के अनुसार बीपीएससी मुख्य परीक्षा 25 नवंबर, 26 और 28 को आयोजित होने वाली थी, जबकि 31 बीपीएससी जुडिशियल सर्विस परीक्षा 6 दिसंबर 2020 को आयोजित होने की उम्मीद जताई गई थी। इस बार मतदाता स्मार्ट और स्लिम ईवीएम में डालेंगे अपना वोट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए मैदान में कूद गए हैं। कोई सोशल मीडिया से प्रचार कर रहा है तो कोई जनता तक पहुंच बनाने के लिए वर्चुअल रैली करवा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में कुछ ज्यादा ही स्लिम और स्मार्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इस बार स्मार्ट ईवीएम की साइज और वजन कम कर दी गई है ताकि इसे कैरी करने में कर्मचारियों को आसानी हो। वैसे इस बार का ईवीएम देखने से पहले से ज्यादा अच्छा है। आपको बता दें इसमें ईवीएम के 24 बैलेट यूनिट कनेक्ट हो सकते हैं। कोविड 19 के रोकथाम के लिए टेस्टिंग पर दिया गया जोर। राज्य में कोविड 19 का असर लगातार बढ़ा हुआ है। संक्रमण की रोकथाम के लिए शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड 19 जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनकी कंट्रोल के लिए स्वास्थ्य विभाग कई कदम उठा रहे हैं। पटना जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। जो टेस्टिंग हो रही है वो एंटीजन के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर सिम्टोमेटिक मरीज को एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनकी रिपोर्ट लैब टेक्नीशियन को भेज आरटीपीसीआर के लिए सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही होम आइसोलेशन की सुविधा का भी निरीक्षण किया जाएगा। बिहार के युवा कलाकारों ने रेमो डिसूजा के साथ मिलकर बनाया सीना अपना 56 इंच का गाना। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह के मौके पर बिहार के कुशल युवा कलाकारों ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के साथ मिलकर गाने को रिलीज किया है। सीना 56 इंच का टाइटल वाले इस गाने में रेमो डिसूजा के साथ ही भारतीय रेसलर संग्राम सिंह, अभिनेता अभिमन्यू सिंह देवल और पंकज झा आदि नजर आने वाले हैं। इस गाने का निर्देशन आरा निवासी अभिषेक कुमार ने किया है। इसकी रिकॉर्डिंग कोविड 19 के माहौल में की गई थी। इसके साथ ही पटना में इस गाने की लॉन्चिंग बीते दिन की गई है। मौके पर निदेशक अभिषेक ने इसे भारतीय सेना और पुलिस को समर्पित किया है। बिहार चुनाव में इस बार भी बंगाल के चंद्रकांता खादी की होगी धूम। व्यापारियों ने अलग अलग रंगों के चंद्रकांता खादी से बने बंडी का भंडारण शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहनते हैं। बिहार का भागलपुर जिला अपने रेशम और खादी के कपड़ों की गुणवत्ता के लिए पहचाना जाता है, मगर यहाँ के लोगों का पश्चिम बंगाल के चंद्रकांता खादी के प्रति झुकाव देखते हुए व्यापारियों ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सामान मंगवाना शुरू कर दिया है। साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चंद्रकांता खादी की जबरदस्त बिक्री हुई थी। इससे व्यापारी इस बार भी लगाए हैं। बिहार में राजनेता और उनके समर्थक बंगाल के हल्के चंद्रकांता खादी से बने धोती, कुर्ता, पजामा, टोपी और गमछा पहनना पसंद करते हैं। ट्रेन से सफर करने वालों को लगा बड़ा झटका। भारत में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने ट्रेन का किराया बढ़ाने जा रही है। मोदी सरकार ने लगभग इसकी पूरी तैयारी कर ली है। रेल जिस तरीके से एयरपोर्ट पर उपयोग शुल्क लिया जाता है, ठीक उसी तरह से रेलवे स्टेशन के लिए भी यूजर चार्ज लगने वाला है। यानी कि ट्रेन से सफर करने वाले सभी यात्रियों से मोदी सरकार अब उपयोग शुल्क वसूलने की पूरी तैयारी कर रही है। रेल मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार यात्रियों से उपयोग शुल्क लिया जाएगा। यह एक छोटी सी राशि होगी जिसका इस्तेमाल रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने में किया जाता है। इसके तहत अब 10-15% ऐसे रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को उपयोग शुल्क देना होगा जिनका पुनर्विकास नहीं किया जा रहा है। नया मोर्चा बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने राजद और भाजपा पर साधा निशाना। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वही सच साबित हुई है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नया मोर्चा बिहार में बीते दिन स्थापित कर दिया है, जिसके तहत स्थानीय होटल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बसपा और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ एक नए मोर्चे को बनाने की जानकारी दी है। कुशवाहा ने कहा है कि दोनों गठबंधन की राजनीति पर भाजपा का कंट्रोल है। उन्होंने अब की बार शिक्षा वाली सरकार का नारा भी दिया। उन्होंने भाजपा, जदयू और राजद पर कड़े आरोप लगाए और कहा कि 15 साल की सरकार हो या 15 साल की इससे पहले वाली सरकार, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार सेल विद्यार्थियों
से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। दोनों ही गठबंधन को भाजपा चला रही है। बिहार की जनता को नया और बेहतर विकल्प देने की बात भी उन्होंने कही। संझौली में नवजात शिशु के नाम पर रखे जा रहे हैं गलियों के नाम। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रोहतास जिला के संझौली में अनोखी पहल शुरू की गई है। संझौली के कई गांव में अब जो भी पक्की सड़कें बन रही है उसका नामकरण उसी गांव की नवजात बेटियों के नाम से कराया जा रहा है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत संझौली के बुद्धाखेरा गाँव से की गई थी। झारखंड विकास समिति ने गाँव की गलियों और सड़कों का नामकरण उसी गाँव में जन्म लेने वाली नवजात बेटियों के नाम पर रखा जा रहा है, जिसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया है। नारी सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। संझौली के उप प्रमुख डॉक्टर मधु उपाध्याय की पहल यह संभव हो सका है। SSC ने आगामी परीक्षाओं के लिए आधिकारिक साइट पर जारी की महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। कर्मचारी चयन आयोग ने 29 सितंबर 2020 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने इसे COVID-19 को लेकर गाइडलाइन को भी शामिल किया है, जिनका आगामी SSC परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को पालन करना होगा। जिन विद्वानों ने SSC भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है वो आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें SSC द्वारा अक्टूबर और नवंबर 2020 में सब इंस्पेक्टर CAPF और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी सीनियर ट्रांसलेटर आदि परीक्षाएं आयोजित की जानी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं मैराथन बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुट गए हैं। चुनावी रणनीति के साथ नेता अपने उम्मीदवारों का फीडबैक भी ले रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सप्ताह भर के रोज पार्टी कार्यालय जा रहे हैं। 6 से 7 घंटे तक वहीं रुककर नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी कर रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर में 9 घंटे तक रुक रहे हैं और कई विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है। पार्टी से जुड़े नेताओं की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार खुद एक सीट के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके साथ ही सीट बंटवारे पर भी उनकी नजर है। तेजस्वी यादव की आज राहुल गांधी और अहमद पटेल से होगी मुलाकात। बिहार के सियासत में लगातार गतिविधियां तेज हो गई है। पिछले 3 दिनों से कांग्रेस और राजद के नेताओं की तरफ से कई बयानबाजियों का दौर जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस सम्मानजनक सीट की बात कर रही है तो राजद के नेता अपना अलग अलग फॉर्मूला बता रहे हैं। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज उनकी पहली मुलाकात अहमद पटेल से होने वाली है। बातचीत सकारात्मक होने पर तेजस्वी यादव की मुलाकात राहुल गांधी से भी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद वे अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची जाएंगे। गौर करने की बात यह है कांग्रेस द्वारा तकरीबन 70 सीट का दावा किया जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया करप्ट हेडमास्टर। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हेडमास्टर के अवतार में दिखाया गया है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि अंतरात्मा दबा हुआ है, अंतरी वाले दोनों दांत टकरार में 60 घोटाले करके चुप्पी साधे हैं चाचा। बिहार में साझा की गई तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक डंडा लेकर ब्लैकबोर्ड की तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लिखा है नीतीश स्कूल ऑफ स्कैम। वहीं उसके बाद बोर्ड पर स्टेशन घोटाले और साथ ही साथ नल जल घोटाला, बालिका गृह, NGO घोटाला, BPSC घोटाले का जिक्र किया गया है। मिशन 7 निश्चय 2 के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गढ़ा नारा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनावी एजेंडे को तय कर लिया है। नीतीश कुमार ने अपना काम के नाम पर वोट मांगने की बात कही है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार बनी तो साथ में वादों के तहत भी काम किया जाएगा। नीतीश कुमार और जदयू का फोकस पूरी तरह से इस पर ही है। 7 निश्चय 2 के तहत जिन योजनाओं का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है उन योजनाओं के लिए अलग अलग नारे गढ़े गए हैं। जदयू ने अपने ट्वीट में लिखा है स्वच्छ बिहार, विकसित शहर, युवा हो रहे हैं हुनर से तैयार, सक्षम, स्वावलंबी बन रहा है हमारा बिहार। उपचुनाव में मिली जीत से खुश ओवैसी ने नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प की जरूरत की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। ओवैसी की AIMIM पार्टी ने हाल ही में अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। वहीं उम्मीदवारों को उतारने से पहले ओवैसी ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि हमें एकजुट लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन देवेंद्र प्रसाद यादव जी के साथ बनाया है। हम साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मौका दिया है। हम बिहार की जनता को उनसे बेहतर विकल्प देंगे और हम इसी तरह कदम बढ़ा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने साफ कर दिया है कि इस गठबंधन के तहत उनके उम्मीदवार उतारे जाएंगे। बिहार में ओवैसी अपनी पूरी ताकत लाएंगे। कंगना रनौत को लेकर बिहार में दर्ज हुई शिकायत। कंगना का विवादित ट्वीट उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जितेश कुमार के न्यायालय ने भगवान बाजार थाना के रतनपुरा मोहल्ला निवासियों और राष्ट्रीय यादव सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार के अभिनेत्री कंगना रनौत पर IT एक्ट सहित अनेक के तहत परिवाद दाखिल करवाया है। कंगना रनौत पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की बात कही गई है। आपको बता दें उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि जैसे कि श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, उसी प्रकार पप्पू भी एक स्वयंभू सेना है जो सिर्फ अफवाहों के दम पर मैदान में उतरना चाहती है। इसलिए हिंदू समाज, विशेषकर यादव समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है।
मोबाइल वीडियो कॉलिंग के लिए नॉइज कैंसिलेशन फीचर हुआ शुरू। वर्क फ्रॉम होम के बीच वीडियो कॉलिंग हमेशा लोगों के लिए चुनौती बनी रहती है। ऑफिस के टीम मेंबर के साथ डिस्कशन के बीच कई बार शोर बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी बीच गूगल ने अपने वीडियो कॉलिंग फीचर गूगल मीट में नॉइज कैंसिलेशन को मोबाइल फोन पर शुरू कर दिया है। गूगल ने अपने आधिकारिक ब्लॉग के जरिए बताया है कि अब गूगल मीट में नॉइज कैंसिलेशन फीचर मोबाइल फोन शुरू कर दिया गया है। अब मोबाइल से वीडियो कॉलिंग के दौरान आपके आसपास का शोर अन्य लोगों को नहीं सुनाई देगा। गेंदबाजों के कमाल से सनराइजर हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को दी मात। राशिद खान की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के उम्दा खेल के दम पर सनराइजर हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हराकर इस सत्र में पहली जीत हासिल की है। इससे पहले दोनों मैच हार चुकी सनराइजर हैदराबाद ने सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के अर्धशतक की मदद से धीमी विकेट पर 4 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 147 रन ही बना सकी। सनराइजर की जीत के नायक राशिद रहे, उन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 50 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि दिल्ली के लिए ऋषभ पंत उम्मीद की आखिरी किरण थे। उन्होंने 27 गेंद में 2 चौके के साथ 2 छक्के के साथ 32 रन बनाए, लेकिन 17वें ओवर में राशिद ने उन्हें पवेलियन भेजकर दिल्ली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता सिंह, राहुल यादव, असलम राज, बबलू कुमार, ओमकार सिंह, मंजीत कुमार साहू, पंकज कुमार, अभय कुमार, संजीव यादव, अभिषेक रॉयल, मिंटू कुमार, प्रफुल्ल कुमार, रंजन शंकर मुखिया, कृष्णा कुमार, सुनील सिंह, संजय कुमार, पप्पू कुमार, संजीव कुमार, कुश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन दल के दो प्रमुख दल राजद और कांग्रेस के बीच कितनी सीटों का बंटवारा होना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।